बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम कैडेट्स खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स, हम ऑनलाइन क्लास का ये जो पहला लेक्चर है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा सिलेबस कवर करवाना है और ऑनलाइन क्लासेस में कौन से टास्क हैं जो कि आपने लाजमी परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले तो ये बात बताता चलूँ कि हमने जो फिजिकल हमारी क्लासेस थी, हमने 3 चैप्टर उनको कवर कर लिया था, और हमारा जो 4th चैप्टर जिसका नाम है डाटा एंड प्राइवेसी, आपकी स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है डाटा एंड प्राइवेसी, इस चैप्टर को शुरू करेंगे हम और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसको कवर करेंगे। अब जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसमें आपने क्या करना है कि मैंने आपको कुछ असाइनमेंट देनी है, वो ड्यूरिंग लेक्चर ही मैंने आपको क्वेश्चन होंगे वो आपको बताने हैं। वो लेक्चर आपने इंटरनेट से सर्च करके नीट एंड क्लीन अपने पेज पे लिख के मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे आपने वो पिक्चर सेंड करनी है, और उसके अलावा जब कॉलेज ओपन होंगे तो आपने वो वाले जो जितने भी वो अपने टास्क या असाइनमेंट बनाई होगी वो हार्ड फॉर्म में मुझे जमा करवानी है, और उसी बच्चे की ऑनलाइन अटेंडेंस या सेशनल मार्क लगने हैं होमवर्क की बेस पे, और ये जो टास्क मिलेंगे ऑनलाइन क्लासेस की इसकी बेस पे आपके वो नंबर सारे लगने हैं। स्टूडेंट्स, डाटा एंड प्राइवेसी हमारे चैप्टर का नाम है जिसको हमने कवर करना है। डाटा कंप्यूटर की फील्ड में जो डाटा है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। डाटा को कंप्यूटर की फील्ड में बोलते हैं डाटा इज किंग, डाटा इज किंग। इसका क्या मतलब है? अगर लेट्स सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर बहुत सा जो डाटा है वो, लेट्स सपोज अगर उस कंपनी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि सारा डाटा जाया हो गया है, तो वो नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। नए कंप्यूटर आ सकते हैं, बंदे नए आ सकते हैं, बिल्डिंग दोबारा बन जाएगी, लेकिन डाटा दोबारा कवर नहीं होगा। जिस तरह एक बैंक की बात करें, एक बैंक का अगर सिस्टम है, वो सारा सिस्टम ही जितने वो सारा उनका डाटा ना क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बैंक तो दोबारा बन सकता है, कंप्यूटर भी नए आ सकते हैं, लेकिन जो उसका डाटा वो दोबारा नहीं आता, इसलिए इसको बोलते हैं डाटा इज किंग। कंप्यूटर की तमाम जो फील्ड वो डाटा के ऊपर ही सारा बेस कर रही है। तो आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज डाटा एंड प्राइवेसी। प्राइवेसी होता है आपकी जो चीजें हैं आप उनको ऑथराइज वे में यूज करें, कोई आपकी मर्जी के बगैर आपका आपके बारे में या आपकी जितनी भी चीजें उनको वो एक्सेस ना कर सके, उसको बोलते हैं प्राइवेसी। यानी कि आपकी अगर विलिंग नहीं, आपकी ये आप इस चीज को नहीं चाहते कि कोई आपकी इस चीज को देखे, यानी कि आपके डाटा को, तो उसको बोलते हैं प्राइवेसी। तो डाटा की प्राइवेसी बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला टॉपिक ही है उसको, ये स्लाइड में कर रहा हूं स्क्रॉल। सबसे पहले बेटा हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये है कि आज की दुनिया में तमाम जो लोग हैं वो मुख्तलिफ एजेस के जो लोग हैं पूरी दुनिया में, वो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, कोई ईमेल का इस्तेमाल कर रहा है, कोई वीडियो गेम्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यानी कोई एटीएम बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तमाम डिफरेंट किस्म के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस है वो इसमें ये टॉपिक शामिल है, इंट्रोडक्शन भी शामिल है। तो इसको पढ़ता हूँ। कंप्यूटर आर यूबिक्यूटस एंड आर वाइडली यूज बाय पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एजेस। तमाम किस्म के जो लोग हैं वो इसको कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। ऑफन वी नीड टू गिव आर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर। अक्सर हमें अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसकी जरूरत पड़ती है देने के लिए। जिस तरह आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको अपना कोई ना कोई डाटा देना पड़ता है। आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाना चाह रहे हैं, या आप ऑनलाइन कोई चीज किसी तरह की भी कोई परचेज करना चाह रहे हैं, या ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हैं, तो हमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। जब इंफॉर्मेशन देते हैं तो उस वक्त हमें डाटा की सिक्योरिटी का इशू पॉसिबल है, आ सकता है। कहता है ऑफन वी नीड टू गिव आर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू आर कंप्यूटर वाइल क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट बनाते हैं, ईमेल अकाउंट की मदद से हम इंफॉर्मेशन को, शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग करते फिर भी अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। विजिटिंग अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाते हैं, वो भी आपका डाटा कंप्यूटर पे सेव कर रहे होते हैं। आर टेकिंग एडमिशन इन अ स्कूल, अगर स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बात करें तो वहां भी जब आप एडमिशन लेता है कोई स्टूडेंट, तो वहां उसकी इंफॉर्मेशन लेते हो। वी एक्सपेक्ट दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी शेयर्ड विद अदर। हम यही तवक्का कर रहे होते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान या किसी भी तरह ऑनलाइन बिजनेस के दौरान या एडमिशन के दौरान, वो किसी और को ना शेयर हो। प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम मेलिशियस यूजर इज कॉल्ड डाटा प्राइवेसी या इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी। ये मेलिशियस लिखा हुआ, ऐसे लोग
जो कि डाटा को चुराते हैं और गलत पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं मलिशियस यूजर, यानी अनऑथराइज जो यूजर होते हैं। ये डेफिनेशन आपने करनी है। प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम मलिशियस यूजर इज कॉल्ड डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। डाटा की आपने प्रोटेक्शन करनी है उन अनऑथराइज बंदों से जो कि डाटा का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्राइवेसी या डाटा प्राइवेसी। आगे हमारे पास टॉपिक है एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज। इखलाकी तौर पे अगर हम देखें तो वो कौन कौन से जो इश्यूज हैं जो कि डाटा की सिक्योरिटी के रिलेटेड आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट्स बने अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यू रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी, ये पॉइंट्स हैं। द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम इज फाउंड ऑन एथिकल प्रिंसिपल। इखलाकी तौर पे हमें वो कौन से असूल है जिनको पता होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर किसी का कंप्यूटर ओपन है तो हमें इखलाकी तौर पे चाहिए कि उसकी इजाजत के बगैर वो इस्तेमाल ना करे। अगर किसी का ईमेल अकाउंट ओपन है तो हमें चाहिए उसकी इजाजत के बगैर उसको इस्तेमाल ना करे। लेट्स सपोज हम किसी कंपनी को डाटा देते हैं, आप एक सिम निकलवाने जाते हैं या हॉस्पिटल में आप जाते हैं या ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं, जिस कंपनी को आपने वो डाटा दिया या जिस भी वेबसाइट पे आपने वो डाटा दिया, उनका इखलाकी ये फर्ज है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर ना करें। जिस तरह देखें आजकल लोग रिकॉर्ड निकलवा लेते हैं, कुछ अपने ताल्लुकात की बेस पे लोगों के नंबर वगैरह निकलवा लेते हैं, लेकिन कंपनी ये चीज एग्रीमेंट करती है कि वो अखलाकी तौर पे इस चीज की पाबंद है कि किसी को वो डाटा शेयर नहीं करेगी जो भी हम कंप्यूटर पे डाटा कर रहे होते हैं। तो ये हमारा इखलाकी है। लेकिन इसमें इश्यूज जो आते हैं उनको देखते हैं कि ये जो मतलब इश्यूज हैं वो देखते हैं। द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम इज फाउंड ऑन एथिकल प्रिंसिपल। इफ वी हैव डाटा ऑफ अदर्स, अगर हम दूसरों का डाटा रखते हैं, इट इज आर ओन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है टू कीप इट सिक्योर, के उसको डाटा को सिक्योर रखें, किसी और बंदे को साथ शेयर ना करें। ये कंपनी का एथिकल जो ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इखलाकी तौर पे। लेकिन कहता है सम ऑफ डाटा सिक्योरिटी, लेकिन उसमें भी कुछ इश्यूज आ जाते हैं। पहले नंबर पे जो इश्यूज है ना वो हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जो किसी की वो चीज है जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और के साथ शेयर ना करे। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि किसी की इंफॉर्मेशन शेयर ना करे। और प्राइवेसी का मतलब है कि आप इंफॉर्मेशन भी शेयर ना करें और जो वो टॉपिक है उसके मुतल्लिक उसकी मर्जी के बगैर काम ही ना करे। लेट्स सपोज अगर बात करते हैं मरीज की, एक मरीज हॉस्पिटल में चले जाता है, अगर वो एक रूम में है और रूम में वो कोई और बंदा एंटर ही ना हो क्योंकि वो इजाजत नहीं है, तो वो प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होगी कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटेड वो भी कोई शेयर ना करे, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। दोबारा सुन लें, कॉन्फिडेंशियलिटी रिलेटेड होती है इन्फॉर्मेशन के और प्राइवेसी रिलेटेड होती है पूरे बंदे के रिलेटेड होती है। उसमें इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, उसमें आपका पूरा वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये आपने आपका ये पहला क्वेश्चन है जी आज इस असाइनमेंट का कि आपने दोनों का फर्क लिखना, कम से कम कुछ चार से पांच पॉइंट आपने लिखने हैं नीट एंड क्लीन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, ये पहला क्वेश्चन है आपने इसको करना है। दूसरे नंबर पे फ्रॉड एंड मिसयूज, ये आउटलाइन है, नेक्स्ट इनको पढ़ते हैं हम। फ्रॉड का मतलब क्या है, मिसयूज का मतलब क्या है कि आपने ऑनलाइन कोई शॉपिंग की है, आपने शॉपिंग की है लेकिन आपने वो कोई चीज आपने ऑर्डर किया लेकिन वो पैसे उस कंपनी के पास नहीं गए, दरमियान में किसी ने फ्रॉड कर लिया, या हो सकता है किसी ने आपको ट्रांजेक्शन की है तो लेकिन वो आपके पास पैसे नहीं पहुंचे। मिसयूज का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन को गलत इस्तेमाल करना। पेटेंट का मतलब होता है कि एक किसी ने आइडिया दे दिया है, उस आइडिया के ऊपर किसी ने अगर काम किया है तो वो आइडिया उसी बंदे का होना चाहिए, किसी और बंदे का नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं पेटेंट। पेटेंट का मतलब कोई यूनिक आइडिया है, वो उस बंदे का है तो वो उसके रिलेटेड है, कोई और उस पर अगर काम करेगा तो वो उसकी खिलाफ वर्जी है। अब देखें जिस तरह कुछ मेडिसिन या रिसर्च जो लोग करते हैं वो नई चीजें ड्राफ्ट कर लेते हैं, वो क्या ले लेते हैं, पेटेंट ले लेते हैं। उससे ये चीज उनको ये कंफर्म हो जाती है कि ये कोई और बंदा इसी तरह का उनको कॉपी नहीं करेगा। नंबर टू पे कॉपीराइट, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपीराइट एक ब्रांच है कानून की जो ये क्या करती है, जितने भी ऊपर हमने पढ़े फ्रॉड या मिसयूज या पेटेंट, इनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉ बने हुए हैं, इनकी प्रोटेक्शन की हिफाजत के लिए पूरी लॉ कानून की एक ब्रांच है जो कि किसको कवर कर रही होती है, कॉपीराइट को। ट्रेड सीक्रेट क्या होते हैं, तिजारत में जो ऑनलाइन जो देखा है आपने मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज होती हैं ऑनलाइन क्या कर रही होती है, बिजनेस कर रही होती हैं, उनके कुछ सीक्रेट्स होते हैं, उनके साथ भी फ्रॉड होता है। जिस तरह ये आपको एक एग्जाम्पल इसकी मैं दे देता हूं कि जिस तरह कोका कोला की एक कंपनी है उसकी बोतल सबसे ज्यादा लोग पीते हैं, बॉटल,
क्यों? क्योंकि उनके पास एक फार्मूला है कि किस तरह उसको बनाया जाता है, वो उनका एक सीक्रेट है। इसी तरह जितनी भी ये वेबसाइट ये जितने भी इनके पीछे कुछ सीक्रेट्स होते हैं, उसकी उसको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट, क्योंकि वो कामयाब किस तरह हो रही है। जिस तरह देखे मुख्तलिफ किस्म के लोग वेबसाइट बनाते हैं लेकिन सारी कामयाब नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें स्ट्रेटजीज होती हैं, उसकी प्रोटेक्शन भी जरूरी है। सबूताज, सबूताज का मतलब है कि एक बंदा आपके पास मौजूद नहीं है, कहीं दूर से रिमोटली यानी किसी दूर एरिया से वो क्या कर रहा है, आपके कंप्यूटर के ऊपर वो अटैक कर रहा है और आपकी इंफॉर्मेशन को हो सकता है हैकिंग के जरिए या किसी और ईमेल के जरिए किसी ना किसी वे से वो आपके सिस्टम को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। लेकिन वो आपके सिस्टम के पास नहीं है, दूर से अटैक करता है ऑनलाइन। अब ये रीडिंग करते हैं स्टूडेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। तो स्टूडेंट देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी। टू कीप द डाटा ऑफ अदर एज कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल इज इनडीड टेकिंग केयर ऑफ अदर। अगर आप किसी का डाटा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं यानी कि किसी की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो इसका मतलब आप दूसरे लोगों को क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ बैंक शेयर द इन्फॉर्मेशन अबाउट माई बैंकिंग ट्रांजेक्शन विद माई बिजनेस कंपिटेटर देन इट कैन हार्म माई बिजनेस। अगर वो एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर एक मेरा अकाउंट है किसी बैंक में, वो मेरी इन्फॉर्मेशन जो मेरा कारोबार है इसी तरह का किसी और का कारोबार उसको अगर शेयर कर देता तो वो मेरे लिए क्या हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है। यानी कि सिमिलरली एक और एग्जाम्पल, सिमिलरली फोन कंपनीज आर सपोज टू कीप द इनवाइसिस एंड बिल एज कॉन्फिडेंशियल। कंपनीज जो वो किसी की इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए उन्हें। Keeping privacy and confidentiality has become difficult in this era of computer and internet. लेकिन आज के दौर में confidentiality and privacy को maintain करना मुश्किल है। मैंने पहले बताया confidentiality का मतलब है कि किसी की information को share ना करना। Privacy का मतलब है पूरे बंदे को ही discuss ना करना उसकी इजाजत के बगैर, उसमें information भी आ जाती है। Due to more usage of computer, a wide range of data is collected and stored. आजकल कंप्यूटर का हर फील्ड में इस्तेमाल है, इसलिए बहुत सा डाटा कंप्यूटर में क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और स्टोर किया जाता है। दिस डाटा मे बी रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड ऑर्गेनाइजेशनल फंड रेजिंग कंपेन ओपिनियन पोल्स शॉप एट सर्विसेज ड्राइविंग लाइसेंस। यानी कि बहुत सा जो डाटा इकट्ठा हो रहा है जिसमें एग्जाम्पल दिए जिसमें क्रेडिट कार्ड है, ये भी डाटा है लोगों का, इतने क्रेडिट कार्ड लोगों ने बनवाए हुए हैं। अगर फंड रेजिंग लोग ऑनलाइन अगर हेल्प ले रहे हैं वो वाला, ओपिनियन पोल जिसमें राय देते हैं जिस तरह अक्सर आता है ना जब इलेक्शन से पहले कि ये बंदा कौन सा जीतेगा इसके बारे में राय दें, वो भी डाटा इकट्ठा हो रहा है ना। शॉप एट होम सर्विसेज ऑनलाइन जो शॉपिंग है, ड्राइविंग लाइसेंस ये भी ऑनलाइन है, अरेस्ट रिकॉर्ड। इंटरपोल एक होता है, आपने ना इसको जरा चेक करना, इंटरपोल एक ऐसी सर्विस है वेबसाइट पे जो क्या करती है, अगर एक मुजरम है जो अगर कंट्री को ही वो छोड़ के चले जाते हैं तो बाकी जो ममालक हैं वो उसको क्या करते हैं, गिरफ्तार करके उस कंट्री में भेजते हैं। जैसे मैं आपको गूगल पे थोड़ा सा बता दे तो इंटरपोल, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ गई है इसलिए मेरे जेहन में आ गया, मैं आपको ये शेयर कर देता हूं। इंटरपोल आ गया है, ये इंटरपोल एक इदारा है जो क्या करता है, जो ऐसे जो लोग होते हैं जो फ्रॉड करके बाहर चले जाते हैं तो उनको जो गिरफ्तार करके जो वापस करते हैं उस कंट्री में, वो इंटरपोल एक पुलिस है ये, ठीक है जी। तो ये भी इनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, वो बताते हैं रिकॉर्ड जी ये बंदा फलाना बंदा है, इसने ये फ्रॉड किया, ये इंटरपोल है। तो दोबारा स्लाइड पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो रिकॉर्ड्स है द पोटेंशियल थ्रेट टू प्राइवेसी इंक्लूड द इनप्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा। कहता प्राइवेसी का अगर गलत इस्तेमाल है, इनप्रॉपर यूज है, तो वो क्या है, कंप्यूटराइज डाटा है। इफ अ कंपनी सेल्स ईमेल आईडीज एंड फोन नंबर टू अनदर कंपनी फॉर मार्केटिंग पर्पज, इट ब्रीच द कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर कोई एक कंपनी है वो किसी की ईमेल आईडी या फोन नंबर सेल कर देती है किसी और बंदे को, तो वो भी प्राइवेसी की क्या है, खिलाफ वर्जी है। आगे आगे पायरेसी, पायरेसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पायरेसी का मतलब है कि डुप्लीकेट कॉपीज बना लेना। एक बंदे ने काम किया, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा एक बुक लिखता है, वो सारी बुक अपने आइडियाज के मुताबिक लिखता है, सेम अगर कोई दूसरा बंदा उसको कॉपी कर लेता है तो उसको बोलते हैं पायरेसी। या इस तरह कह ले कि अगर एक सॉफ्टवेयर बनाया कंपनी ए ने और कंपनी ए का ही वो हक है उसके ऊपर सारा कुछ, लेकिन कंपनी एक बी क्या करती है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना शुरू कर देती है, उसको बोलते हैं पायरेसी।
पायरेसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लाजमी बोर्ड के क्वेश्चन में आता है ये, व्हाट इज पायरेसी। तो पायरेसी मींस मेकिंग इलीगल कॉपीज। इलीगल का मतलब उस बंदे की है नहीं है वो चीज, वो मूवी की भी पायरेसी हो सकती है, एक बुक की भी पायरेसी हो सकती है, एक आइडिया की भी पायरेसी हो सकती है। तो कहता है पायरेसी मींस मेकिंग इलीगल कॉपीज, इट कैन बी अ बुक, वो एक बुक हो सकती है जिस बंदे ने बनाई है, उसके अलावा अगर कोई बनाता है डुप्लीकेट कॉपीज, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं उसमें, मूवी हो सकती है, पोइट्री किसी की शायरी हो सकती है, पेंटिंग, हाउस आर्किटेक्चर आर एनी अदर वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ। और मैंने बताया था कॉपीराइट क्या एक ब्रांच है जो कि प्रोटेक्शन कर रही होती है तमाम चीजों की, अगर जो भी खिलाफ वर्जी होती है डाटा की हो। तो क्या कहता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द इलीगल कॉपिंग डिस्ट्रीब्यूशन आर यूजेज ऑफ, यहां दो डेफिनेशन बन गई, एक ये वाली है इसमें पूरा करना आपने, पायरेसी मींस इलीगल कॉपीज, और ये आगे सॉफ्टवेयर पायरेसी, ये भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर की जो इलीगल कॉपीज बनाई जाती हैं और उसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, दूसरे लोगों को सेल कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये बहुत दफा ये क्वेश्चन आया बोर्ड में, सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द इलीगल कॉपिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, आर यूजेज ऑफ कंप्यूटर, यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि इसको क्या करना है, कॉपी करना और डिस्ट्रीब्यूट करना और आगे इसको क्या करना है, इस्तेमाल करना है गलत तरीके से। सम सॉफ्टवेयर कंपनी सेल सॉफ्टवेयर विद अ कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट कॉल द की ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। कंपनी क्या करती है, वो एक उन्होंने बनाया होता है की, यानी कि अगर आप सॉफ्टवेयर परचेज करते साथ वो एक 14 नंबर का ना आपको डिजिट देते हैं, समटाइम 14 नंबर का भी होता है, डिफरेंट उसकी जो ना नंबर्स की रेंज होती है, वो नंबर आप देते हैं उसको की बोलते हैं, प्रोडक्ट की भी बोलते हैं या सॉफ्टवेयर की भी बोलते हैं। तो इसको बचाने के लिए सॉफ्टवेयर पायरेसी की कंपनीज क्या करती हैं, दोबारा सुन लें, सम सॉफ्टवेयर कंपनीज सेल सॉफ्टवेयर विद अ कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट कॉल्ड द की ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। इस तरह ये देखें डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, वो की मिलती है जब भी आप ऑनलाइन अगर वो परचेज करते हैं या सीडी में लेते हैं तो एक की भी मिलती है, लेकिन उस की को भी कुछ लोग क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, जिसको बोलते हैं क्रैकिंग, वो भी इधर आई थिंक आप टॉपिक होगा। दिस की इज प्रोवाइडेड टू ओनली दोज पीपल हु बाय दैट सॉफ्टवेयर, ये की उनको मिलती है जो सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। इन दिस वे इलीगल कॉपी आर स्टॉप टू बी इंस्टॉल्ड, इस तरह जो सॉफ्टवेयर पायरेसी उसको क्या किया जाता है, कम से कम किया जाता है। सम पीपल स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट की बाय यूजिंग इलीगल मींस, दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग द की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द क्रैकिंग, क्रैकिंग का मतलब वो की चुरा ली जाती है इंटरनेट से, या हो सकता है अगर किसी ने सॉफ्टवेयर परचेज किया वो की अपने फ्रेंड के साथ वो शेयर कर देते हैं, तो वो इस तरह इसको बोलते हैं क्रैकिंग। आगे बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटे ये क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या मतलब है, कि आपने ये पहले मैं पढ़ देता हूँ, बोरिंग यानी किसी से कोई चीज उधार ली है बोरिंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कुलीग, किसी दोस्त से आपने, एक दोस्त ने सॉफ्टवेयर को बाय किया यानी परचेज किया, उसके पास सॉफ्टवेयर की भी थी, उसका दोस्त उससे ले जाता है और वो उसको अपने सिस्टम में कॉपी कर ले, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट लिफ्टिंग। तो ये क्वेश्चन आता है जी, सॉफ्ट लिफ्टिंग किया, किसी का सॉफ्टवेयर उठा के अपने सिस्टम में कॉपी कर लेना। क्लाइंट सर्वर ओवर यूज इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंस फॉर इट, अगर आपने वो परचेज किया वहां लिखा गया जी एक ही बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो जो परचेज करता है वो क्या करता है, एक से ज्यादा कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देता है उस सॉफ्टवेयर को, उसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर ओवर यूज। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डेफिनेशन क्लाइंट सर्वर ओवर यूज, मतलब कि जितनी रेंज में वो मिली थी उसको की के एक बंदा इस्तेमाल करेगा, वो पांच कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर ओवर यूज। आगे आगे हार्ड डिस्क लोडिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग का मतलब होता है अगर आपने एक लैपटॉप लिया है या आपने एक मोबाइल लिया या आपने कोई भी किसी तरह की कोई मशीन ली है, कंप्यूटर सिस्टम लिया है, तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर वो पहले उन्होंने इंस्टॉल किए होते हैं, अगर वो इलीगल कॉपी किए हुए हैं यानी कि वो परचेज नहीं किए गए, वो भी इसी तरह यानी पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो लाइसेंस के बगैर होते हैं, तो उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क लोडिंग। इंस्टॉलिंग यानी कि इंस्टॉल करना एंड सेलिंग अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन ये इधर रिफर्बिश्ड आर न्यू कंप्यूटर, यानी कि क्या लिखे जो ये लफ्ज आप काउंट कर लें कि इंस्टॉल करना है और सेल करना है सॉफ्टवेयर को, किसमें, न्यू कंप्यूटर, यानी कि जना नया कंप्यूटर आप लेके आए तो उसके साथ ही उन्होंने इंस्टॉल किया होता है उसको, उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क लोडिंग। आगे आएगा काउंटर फिटिंग, डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट, उन सॉफ्टवेयर को डुप्लीकेट करना
और सेल करना जिनमें क्या है कॉपीराइटेड है। कॉपीराइट का मतलब कि कोई और बंदा उसको इस्तेमाल ना कर सके। और आपको मैं बताता चलूं, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं या व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप किसी की कोई इमेज या कोई वीडियो उसकी इजाजत के बगैर अपनी पोस्ट पे शेयर नहीं कर सकते कानून के मुताबिक। अगर वो जिस बंदे की आपने पिक्चर या कोई ऐसा डाटा शेयर किया वो अगर चाहे तो आपके खिलाफ वो कॉपीराइट का मतलब जो है ना केस कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये कि हमें पता नहीं है कि फेसबुक हम यूज तो कर रहे होते हैं या इस तरह की चीजें, लेकिन बकायदा इसके वो आप पढ़े ना अगर इंटरनेट पे चेक करें कि कॉपीराइट मतलब फेसबुक की जो कॉपीराइट उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। उसमें ये आती है कि किसी का आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, किसी को इमेज शेयर नहीं कर सकते आप, तो वो बहुत से केसेस बनते हैं और आजकल बहुत से इश्यूज बन रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट्स को बोलते हैं काउंटरफिटिंग। ऑनलाइन पायरेसी क्या होती है कि आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और वो जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया ना वो भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड का मतलब वो भी इलीगल उसको कॉपीज बनाया गया उसको, यानी कि लेकिन आपने किया किस तरह ऑनलाइन, उसको बोलते हैं ऑनलाइन पायरेसी। बाकी जो है किसी का हा मतलब मैंने बताया कि हमने पढ़ा था किसी की सीडी लेना उसको अपने सिस्टम में कॉपी कर लेना या कंप्यूटर लिया नया कंप्यूटर लिया उसके साथ ही आपको मिल गया, वो होती है ऑफलाइन पायरेसी। ऑनलाइन पायरेसी क्या कि इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना। टिपिकली इन्वॉल्व डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर, इलीगल सॉफ्टवेयर को अगर डाउनलोड करते हैं उसको बोलते हैं ऑनलाइन पायरेसी। द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज प्रिपेयर टू बैटल अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो इसके खिलाफ जंग लड़ रही है सॉफ्टवेयर पायरेसी के, वो कोशिश करते हैं कि कम से कम हमारे जो ना वो सॉफ्टवेयर क्या हो मतलब पायरेटेड हो, लोग उनको इलीगल कम यूज करें। द कोर्ट्स आर डीलिंग विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लॉ सूट्स कंसर्निंग द प्रोटेक्शन, कोर्ट्स यानी कि जो अदालतें हैं वो भी इसके ऊपर काम कर रही हैं। आगे आगे हमारे पास फ्रॉड एंड मिसयूज, फ्रॉड का मतलब होता है धोखा दही करना, लेकिन ऐसा कि आप ऑनलाइन अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें धोखा दही हो जाए तो उसको बोलते हैं फ्रॉड। मिसयूज का मतलब है गलत इस्तेमाल करना। कहता है यूजिंग कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। सम अनऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड वो बंदा होता है जो ऑथराइज नहीं होता, जिस तरह मैं बात करता हूं कि हमारे पास बैंक में, बैंक में जो मैनेजर का जो कंप्यूटर है ना मैनेजर का, उसको सिर्फ मैनेजर ही उसको लॉग इन कर सकता है, कोई और बंदा नहीं कर सकता, वो तो ऑथराइज्ड हुआ। अगर कोई और बंदा कोशिश करेगा, सिक्योरिटी गार्ड कोशिश करता उसको ओपन करने की, वो होगा अनऑथराइज्ड या कोई और बंदा। अनऑथराइज्ड होता है जिसको इजाजत ना हो जिस काम करने की। सम अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज कैन टेक प्लेस, जब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो एक्टिविटीज क्या होती है टेक प्लेस होती है। सम ऑफ दीज इंक्लूड थेफ्ट ऑफ मनी, कुछ इसमें क्या है कि आप पैसे चुरा लिए जाते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी कंप्यूटर की मदद से। थेफ्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज चुरा ली जाती हैं, जिस तरह की वेबसाइट कोई जो है हैंग हो जाती है, सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है, वो काम ही नहीं करता। अक्सर इस तरह होता है कि जब जॉब्स आती हैं तो लोग क्या करते हैं उस पर इतना ज्यादा अटैक करते हैं कि उस पर अप्लाई नहीं होता, यानी कि काम क्या था वेबसाइट का कि ऑनलाइन अप्लाई करवा दे, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा, वो भी क्या जी फ्रॉड ही है ना, तो वो भी क्या फ्रॉड है। थेफ्ट ऑफ सर्विस, थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल डेटा, कीमती डाटा को क्या करवा लिया जाता है चोरी कर लिया जाता है। समटाइम वो रिसीव एन ईमेल, समटाइम ऐसे होता है कि हम एक ईमेल रिसीव करते हैं आस्किंग अस टू क्लिक ऑन लिंक टू चेंज आवर पासवर्ड, उसमें ये कहा गया कि आप अपना पासवर्ड चेंज करें, लेकिन वो किसी हैकर की तरफ से होती है। और आमतौर पर ये होता है कि ज्यादातर इसकी वजह से क्या करते हैं अपना वो पासवर्ड दे देते हैं, उनका अकाउंट क्या हो जाता है हैक हो जाता है। कभी भी अगर इस तरह की कोई ईमेल आए तो आप देख लिया करें उसके यूआरएल पे कि क्या वो ऑफिशियल वेबसाइट का यूआरएल है। अगर फेसबुक का आ जाता है कि फेसबुक का चेंज कर, देख लिया करें फेसबुक का जो ऊपर होता है यूआरएल। सम टाइम वी रिसीव एन ईमेल आस्किंग अस टू क्लिक ऑन अ लिंक टू चेंज आवर पासवर्ड, ठीक है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये इंटरनेट का थोड़ा इशू आ गया। जिस तरह स्टूडेंट में बात कर रहा था, ये देखिए हमारे पास ये जिस तरह मैंने फेसबुक खोला, ये ऑफिशियल लिंक जो होता है ना उसके ऊपर ये लिखा होता है वेब फेसबुक डॉट कॉम। ये देखें मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको, जब भी कोई अगर लिंक आता है किसी वेबसाइट का जीमेल का या कोई भी, वो जरा वो देख लिया करें इसका यूआरएल, ये वाला ये जो है यूआरएल आप जरा देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है ना हमारे पास ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ से कोई लिंक आया है। अगर इसके अलावा कोई और लिखा होता है ना तो वो ज्यादातर लिंक लोग शेयर करते हैं, वो यहां से आप देख लिया करें उस वेबसाइट का, ठीक है। तो नंबर टू पे ना एक अदारा है जिसको बोलते हैं FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एक लफ्ज यूज होता है साइबर क्राइम, जो ऑनलाइन
जो दुनिया है, इंटरनेट की जो दुनिया है, डिजिटल जो वर्ल्ड है, उसमें जो क्राइम होते हैं उनको बोलते हैं साइबर क्राइम। जिस तरह आप अगर इंटरनेट पर सर्च करें साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, अगर आप ये लिखेंगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा ये व्हाट इज द साइबर क्राइम। इमेजेस पे आ जाएं, ऑनलाइन जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं उनको बोलते हैं साइबर क्राइम। ऑनलाइन हैकिंग हो रही है, मनी अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है वो नहीं पहुंच रही, उसको बोलते हैं साइबर क्राइम। तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, डाटा लोगों का जो ना चुराया जा रहा है, इंफॉर्मेशन चुराई जा रही है, ठीक है। इनके खिलाफ जो ना साइबर, और फॉर एग्जांपल अगर कोई सोशल मीडिया पे आपको कोई ब्लैकमेल करता है या आपके साथ कोई पर्सनल कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, आप शेयर कर देते हैं किसी के साथ, बाद में आपको ब्लैकमेल करता है, जी मैं अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं देंगे या आप मेरे साथ ये डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो मैं आपका डाटा ना लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वो भी एक साइबर क्राइम है। तो उसको हल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक वेबसाइट है ऑफिशियल जिसका नाम है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, FIS को बोलते हैं। यहाँ आप ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं, ये देखें लिखे हुए कंप्लेंट सेल लिखा हुआ है, और ये देखें यहाँ काफी चीजें आ रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये चेंज हो रही पिक्चर। देखिए कंप्लेंट सेल है, आप कंप्लेंट लिखें, क्या कंप्लेंट है वो बताएं, वो आपने ऑनलाइन कंप्लेन सारा इसमें, अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है सोशल मीडिया पे किसी भी तरह से तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, साइबर क्राइम कंप्लेन सेल, ये देखिए मिल गया। तो इस पर वो अमल भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इस पर, ये देखिए सारा लिखा हुआ है, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसमें सारी डिटेल लिखनी होती है क्या इशू है उसके बारे में, जो जो आपके पास डिटेल है वो आपने ऑनलाइन सबमिट करवानी होती है, ठीक है। और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर कंप्लेंट सेल है, मोस्ट वांटेड जो लोग हैं, ह्यूमन, ये लिखे हुए सारे लोग जिनके बारे में, ये इसमें ये सारे दायरे हैं। साइबर क्राइम विंग है इधर, एंटी करप्शन विंग है, इकोनॉमिक क्राइम विंग है, तो ऑनलाइन जो कंप्लेन है उसका ये सारा दिया हुआ है। तो यानी कि वही जो डाटा की जो मतलब डाटा का जो हो रहा है, प्राइवेसी हो रही है डाटा की, पायरेसी जिसको हमने बोला सॉफ्टवेयर पायरेसी वो, और डाटा में जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो वाले, और जो ऑनलाइन जो मैंने बताया ब्लैकमेलिंग हो रही है, उनको रोकने के लिए इस वेबसाइट का आप कभी जरूरत पड़े तो आप किसी दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। आप आईटी के स्टूडेंट हैं, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो हम स्लाइड पे आते हैं, लिखा हुआ फ्रॉड एंड मिसयूज, ये वाली स्लाइड आपने पढ़ लेनी है, वो बता दिया कि आप कोई लिंक सेंड करता है, पासवर्ड मांगता है, और फिशिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग आपके बाहर तो वो आपके दोस्त लगते हैं, ऑनलाइन भी आपके साथ होंगे, आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, लेकिन वो एक्चुअली उनका जो टारगेट होता है ना, वो होता है कि आपके सिस्टम को कंट्रोल करना। आपके साथ वो दोस्ती करते हैं, समटाइम ऐसे करते हैं कि वो कहते हैं आप इस जगह पे इस लिंक को ओपन करें, ये करें, दोस्ती करते हैं, उस टर्म को बोलते हैं फिशिंग। समटाइम्स सम मलेशियस यूजर, मलेशियस मैंने बुलाया जो लोग गलत इरादा रखते हैं, गलत पर्पज इनका होता है, मलेशियस यूजर डिस्गाइसेस हिमसेल्फ, यानी वो शो करवाते हैं आपको एज आर फ्रेंड, अपना दोस्त, एंड ट्राइज टू गेट सम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और वो आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि जो कीमती इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड फिशिंग, यानी एक बंदा बाहर आपका दोस्त नहीं है लेकिन वो आपसे दोस्ती शो कर रहा है ऑनलाइन, यानी कि इंटरनेट की दुनिया में, तो वो उसको बोलते हैं फिशिंग। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट मैंने बताया कि अगर आपने या किसी बंदे ने कोई उसके जेहन में आइडिया आया, लेट्स सपोज उसने कोई ऐसी, अभी जिस तरह COVID-19 आया, COVID-19 में अगर किसी बंदे के जेहन में आइडिया आ गया कि इसके लिए कोई ऐसी वैक्सीन बनाते हैं जिससे ये ना खत्म हो जाए, जिस पहले बंदे ने अगर बनाया है आइडिया उसके जेहन में आया, अगर वो चाहता है कि इसका आइडिया कोई और ना चुरा ले, तो उसे क्या चाहिए, पेटेंट करवा ले उसको। पेटेंट का मतलब है रजिस्टर करवा ले, रजिस्टर करवा लेगा तो फिर उसका जो आइडिया ना उसी के नाम पे होगा, कोई और उसको अपने नाम पे नहीं कर सकता। लेट्स सपोज अगर यहाँ आप गूगल पे लिखें पेटेंट तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाएंगी, मैं यहाँ लिखता हूं पेटेंट, पेटेंट वेरी इंपॉर्टेंट। और इमेजेस पे जाएं, इमेजेस पे जाके आपको पता चलेगा व्हाट इज द पेटेंट, पेटेंट का क्या मतलब, ये देखें ऑल राइट्स रिजर्व्ड पेटेंटेड, ऑल राइट्स यानी कि जिस बंदे का जो आइडिया था उसके नाम पे उसको कर दिया गया है, ये बकायदा करवाना पड़ता है।
तो ये जी पेटेंट है, डेफिनेशन भी इनकी लिखी हुई है, ये आप थोड़ा आइडिया कर सकते हैं पेटेंट। ये देखिए, अगर किसी ने कोई अच्छी कोई आइडिया लिख दिया या किसी ने कोई रिसर्च कर दी है और वो पहले मौजूद नहीं, अगर वो चाहता है कि ये कोई और ना इसको अपने नाम करवा ले, तो उसे क्या करवाना चाहिए, अपने आइडिया को पेटेंट करवा ले। लेकिन अगर वो पेटेंट नहीं करवाया तो कोई भी अपने नाम से उसको शो करवा सकते हैं। ये लिखा हुआ अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक बंदे की जो जाती जो आइडिया ओनरशिप देता है ये, इनको जरा देख लीजिएगा, पेटेंट पेंडिंग। ठीक है, तो ये आपने कभी अगर कोई इस तरह का मतलब सवाल आ जाए, व्हाट इज पेटेंट, होता है कि अपने आइडियाज को महफूज कर लेना। लेकिन अगर एक बंदे ने बनाया, उसने पेटेंट नहीं करवाया, तो हो सकता है कोई और उसको उसको अपने नाम के साथ इस्तेमाल कर ले। पेटेंट इज अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया, एक आइडिया जिसमें क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है आइडिया को। इफ यू आर डूइंग रिसर्च, रिसर्च यानी कि तहकीक कर रहे इन सम फील्ड एंड यू हैव एन आइडिया, और आपके पास एक यूनिक आइडिया है, देन यू मस्ट गेट पेटेंट फॉर दैट आइडिया, आपको चाहिए उसको क्या करवा लें, पेटेंट। इट गिव्स यू द राइट टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग आर सेलिंग एन इन्वेंशन यूजिंग योर आइडिया। ये दूसरे लोगों को वो जो आइडिया उसको सेल नहीं कर सकते, यानी अपने नाम से उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है, ये एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा बेटे। कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट का मतलब ये कि जो किसी की चीज है, पर्सनल जो डाटा है और पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है, उसके लिए बकायदा जो लॉ बनाए गए हैं उनको बोलते हैं कॉपीराइट लॉ। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको ये मिल भी जाएगा, कॉपीराइट लॉ। तो दूसरा आपका क्वेश्चन ये कि आपने कोई से तीन से चार जो ना कॉपीराइट लॉ लिखने, या आपके असाइनमेंट का दूसरा टास्क है कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट मैं पढ़ देता हूँ, कॉपीराइट इज डिफरेंट फ्रॉम अ पेटेंट। पेटेंट तो वो है ना कि आइडिया को आपने क्या करवाना, पेटेंट को इसकी जो हिफाजत, अगर पेटेंट की कोई खिलाफ वर्जी करता है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने एक आइडिया को पेटेंट करवा लिया, फिर भी अगर कोई उसको अपने नाम से शो करता है, तो उसको कौन डील करेगा, कॉपीराइट लॉ, यानी कि ब्रांच चाहिए। जिस तरह ये कह ले कि बंदे ने एक जमीन ली हुई है, अपने नाम पर रजिस्टर करवाई हुई है, अगर फिर भी कोई दावा करता है, तो उसको कौन करता है, एक अदालत है ना। तो इसी तरह ऑनलाइन जो साइबर क्राइम में जो लॉ को डील करती है ना, पूरे जो जितने भी क्राइम हो रहे हैं उनको डील करती है कॉपीराइट लॉ। ये ब्रांच एक कानून की, मुख्तलिफ लॉज हैं। तो ये मैंने बताया आपकी दूसरी जो असाइनमेंट है, ये आपने कोई से तीन से चार जो ना कॉपीराइट लॉ लिखने हैं। कॉपीराइट इज डिफरेंट फ्रॉम अ पेटेंट एज कॉपीराइट लॉ सेज दैट सम आइडिया और प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपी। ये इसकी हिफाजत करता है पेटेंट की, कौन, कॉपीराइट लॉ। द राइट आर रिजर्व फॉर कॉपिंग, ये कॉपी से रोकता है किसी चीज की। यूजली इट्स इफ अ प्रोडक्ट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड देन वी सी अ सिंबल ऑफ कॉपीराइट सिंबल। इसका एक सिंबल भी होता है, जो चीजें कॉपीराइट लोगों ने करवाई हुई हैं उसका एक सिंबल भी होता है। अगर गूगल पे आप इसको देखें, मैं भी लिखता हूं कॉपीराइट, ये कॉपीराइट आ गया है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए, ये इमेजेस पे चले जाए, इसका एक सिंबल नजर आता है ये सी, अक्सर प्रोडक्ट के ऊपर ये छोटा सा नजर आ रहा है। इसका मतलब वो चीज जो है ना कॉपी राइट है, सेम उस तरह की आप नहीं बना सकते, ऑल राइट रिजर्व, ये इस तरह के सिंबल। वेबसाइट पे भी ये होता है, मतलब वेबसाइट के ऊपर भी ये लास्ट पे आपको नजर आता है, ये इस तरह का सिंबल सी सा बना होता है, इसका मतलब कॉपी राइट है। ठीक है जी, ये एक बाकायदा ब्रांच है, कॉपी राइट ब्रांच आप लिख लेंगे या ला लिख लेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये देखें, ये एक कानून है, ये किस चीज की प्रोटेक्शन करता है, ऑथराइजेशन की, इमेजेस की, तस्वीर की, टेक्स्ट की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, पेटेंट भी होगा इधर, ये पेटेंट की भी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, आइडियाज की भी कर रहा था, मीडिया की भी कर रहा था, डोमेन की भी, ये काफी चीजें हैं। ये देखें, ये एक लॉ की ब्रांच है, कॉपीराइट इसको बोलते हैं। कॉपीराइट ये प्रोटेक्शन कर रहा है, पेटेंट, पेटेंट हमने कहा जो आइडिया है उसको, ला प्रॉपर्टी। डियर कैडेट्स, आगे हमारे पास है ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेड होता है तिजारत, सीक्रेट्स इसमें ये बात करता है कि लेट्स सपोज अगर एक हमारे पास तीन कंपनी है, तीनों में एक ज्यादा सक्सेस कर जाती है, अगर वो जो सक्सेस कर जाती है बाकी जो दो कंपनी है वो उसके सीक्रेट को उठाती हैं और अपने गलत यानी कि अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं किसी कंपनी का आइडिया उठा के, इसको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट, यानी इश्यू है ये। ट्रेड सीक्रेट का मतलब तो ये है ना कि वो किस वजह से वो मतलब वो क्या कर रही है, सक्सेसफुल हो रही है। लेट्स सपोज कंपनी ए सक्सेसफुल हो रही है और बी कंपनी क्या कर लेती है, ए वाली का आइडिया चुरा के ना उसको क्या कर लेती है,
अपने इम्प्लीमेंटेशन कर लेती है उसको, वो भी एक इशू है। और इसको क्या, कौन डील है जी, इसको किस टॉपिक में कवर करेंगे हम, ट्रेड सीक्रेट। कहता है ट्रेड सीक्रेट्स आर यूजली द सीक्रेट्स दैट आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ कंपनी। ये किसी भी कंपनी में क्या करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। जिस तरह कोको कोला है, कोको कोला जो कंपनी का जो फार्मूला आज तक किसी बंदे को पता नहीं चला, जो खास एक फार्मूला है जिसकी मदद से वो टेस्ट बनता है वो बॉटल का जो भी है, वो बहुत मतलब सिक्योर सिस्टम उन्होंने वो फार्मूला रखा हुआ है। तो वो क्या है, सीक्रेट है किसी भी कंपनी के। दे हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू, इनकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है, एंड यूजफुलनेस फॉर दी कंपनी, और कंपनी के लिए बहुत ज्यादा कारामद होते हैं। कीपिंग ट्रेड सीक्रेट इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि ट्रेड सीक्रेट कंप्यूटर फील्ड में सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन मोर देन वन सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलप द सेम प्रोडक्ट बट वन ऑफ देम टेक्स लीड, कहता है कि एक से ज्यादा कंपनी एक जैसा सॉफ्टवेयर बनाती है, एक लीड कर लेती है, जो लीड करती है उसका आइडिया दूसरे जो लीड नहीं करते वो क्या करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि उनका आइडिया चुरा लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी फ्री ईमेल सर्विसेज बट फ्यू ऑफ देम आर हैव सिग्निफिकेंस कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ओवर अदर। एग्जाम्पल दिए ईमेल के लिए कि मैंने आपको बता दिया, अगर एक कंपनी ज्यादा सक्सेस कर रही है ऑनलाइन दुनिया में तो दूसरी जो कंपनीज वो क्या करती है, उसके आइडिया को चुराने की कोशिश करती है। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी थी कि एक कंपनी है जी, जिस तरह आप बात कर लें अमेजोन है, अलीबाबा डॉट कॉम, एक दूसरे के आइडिया को कोशिश करते हैं ये, लेकिन ये कॉपीराइट का क्लेम कर देते हैं। जिस तरह पिछले दिनों में ओप्पो ने क्या किया, आईफोन का जो था ना मॉडल उसको कॉपी करने की कोशिश की थी, तो इन्होंने क्लेम कर दिया था कॉपीराइट का इन्होंने आईफोन वालों ने। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सी एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी। आगे हमारे पास लास्ट आज टॉपिक है वो हमारे पास है सबूताज। सबूताज क्या मतलब है कि एक बंदा आपके कंप्यूटर के पास नहीं है, आपके सामने नहीं है, रिमोटली दूर से वो कंट्रोल कर रहा है कंप्यूटर को, उसको बोलते हैं सबूताज। सबूताज इज अ सीरियस अटैक ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। सम ये मैंने पहले बताया था, मैलिशियस यूजर कैन अटैक द सिस्टम वाइल सिटिंग रिमोटली। रिमोटली का मतलब दूर से कंट्रोल कर रहे हैं आपके सिस्टम को। वन कैन सेंड वायरस एंड सम फ्री सॉफ्टवेयर, हो सकता है कोई आपको कहे कि ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लें या ईमेल कर दे। अ वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन विद नेगेटिव इंटेंशन। तो वायरस की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, कंप्यूटर को क्या करवाता है, नुकसान पहुंचाता है। अ वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन विद नेगेटिव इंटेंशन, इट कैन चेंज डिस्ट्रॉय एन इंफॉर्मेशन आर सबूताज डाटा। तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है उसको हम अगर ओवरव्यू करें तो आज हमने देखा है डाटा की इंपोर्टेंस देखी है, इंट्रोडक्शन की है, और उसके बाद हमने देखा व्हाट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। ये आपका पहला टास्क था, दोनों में फर्क लिखना आपने कोई 5 पॉइंट कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी में। दूसरा मैंने टास्क आपको दिया था कोई कॉपीराइट लॉ ब्रांच में कोई आपने 4 से 5 लॉ लिखने हैं, और ये जो टॉपिक कवर किया है इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। कुछ डेज बाद इसका आपका जो ना टेस्ट भी होगा, ठीक है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।